नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट कमलदीप चौहान फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन बीच में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जिसको आप बिना किसी पैसे के आप घर पे रेडी कर सकते हैं और वो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए, रूटिंग के लिए बहुत ही सस्ता और वैल्यूएबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वुड ऐश की, जिसको आप घर पे रेडी कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और अपने प्लांट्स में आप उसका रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि वुड ऐश के पौधों के लिए क्या क्या बेनिफिट है और वुड ऐश को हम कितनी क्वांटिटी में हमें पौधे को देना है, किस पौधे को देना है, किस पौधे को नहीं देना है। तो आज की वीडियो में हम ये सब जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का अपडेट आपको रूटीन में मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं वुड ऐश में ऐसा क्या है जो हमारे पौधों के लिए इतना बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपका एनपीके वैल्यू में नाइट्रोजन को छोड़ के आपका फॉस्फोरस और पोटाशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अलावा अगर हम ट्रेस एलिमेंट की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, तो इसमें आयरन मिलेगा आपको, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये ट्रेस एलिमेंट भी इसमें मिलेंगे जो पौधों को ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन या घर पे इस तरह अपना वुड ऐश आप रेडी कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो हम वीडियो में साथ साथ आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने वुड ऐश को रेडी कर लिया है। कल हमने इसको अपने जो भी हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको हमने जला के वुड ऐश हमारा रेडी कर लिया है। ये हमने बिल्कुल बारीक छान के और इसको रेडी कर लिया है और जैसे जैसे हमारे प्लांट्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एज ए सप्लीमेंट, एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम इसमें देंगे प्लांट्स में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें किसी भी प्लांट के अंदर, वो आपका फूल वाला पौधा है या आपका फ्रूटिंग देने वाला पौधा है या आपकी वेजिटेबल है, इन सब में हमें कितनी मात्रा में, आपको कब और कितनी मात्रा में हमें ये वुड ऐश देना है एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो दोस्तों, अगर हमारे पास छोटे प्लांट है, जैसे कि मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे एक बहुत छोटा प्लांट है हमारे पास, ये आपका पोर्टुलिका का प्लांट है, तो हमें सिर्फ इसमें इतना सारा थोड़ा सा आप इसमें को दोस्तों बिल्कुल चुटकी भर आपको एज ए फर्टिलाइजर आपको इतनी क्वांटिटी ही देना है आपको। और इसको कम से कम आप 25 दिन बाद आप दोबारा दीजिए, ठीक है। 25 दिन आपको ज़्यादा एक्सेस में इसको नहीं देना है, किसी भी प्लांट को आप एक्सेस में मत दीजिए। मैं आपको एक एक करके कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि किस प्लांट में आपको कितना फर्टिलाइजर, कितना वुड ऐश आपको देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पास यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास लौकी का प्लांट है, लौकी की बेल है और ये हमने दो लौकी की बेल यहाँ पे लगाई हुई है। तो इसमें हम, जैसे आपके बड़े प्लांट्स हैं उसमें आप सिर्फ 2 चम्मच आप दीजिए, 2 चम्मच से ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। इसको हर से आप स्प्राउट कर दीजिए, ऐसे हम डाल देंगे और ऊपर से पानी इसको दे देंगे, ठीक है। सेम हम यहाँ पे, इसमें भी हमारी 2 बेलें लगी हुई है, तो हमने सिर्फ 2 चम्मच इसको देना है और महीने में 25 या 30 दिन में सिर्फ हमें एक बार देना है और इसमें हम ऊपर से हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ जैसे हमने नींबू लगाया हुआ है, ये हमने रिप्लांट किया था, नर्सरी से लेके आए थे हम इसको, तो इसमें भी आप इसको सिर्फ 1 चम्मच आपको यूज करना है, 1 चम्मच से ज़्यादा मत दें। अब इसमें हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है, उसका रीजन क्या है, जो वुड ऐश होता है आपका, वुड ऐश का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है। यहाँ पे हमें किस प्लांट को कितना हमें वुड ऐश हमें एज ए फर्टिलाइजर देना है,
वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा मरुआ लगा हुआ है तो इसमें भी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, एक चम्मच आप दे दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। ठीक है, अब ये कम क्वांटिटी का या एक नफी तुली क्वांटिटी का देने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो देखिए, ये जो वुड ऐश होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम पीएच की बात करें तो उसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिसिटी नेचर ज़्यादा होता है उसमें। मैं यहाँ पे पीएच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कोई प्लांट आपका एसिडिक पीएच यानी कि एसिडिक सोइल में आपका अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और उसमें हमने एक्सेस में हमने अगर उसको एज ए वुड ऐश दे दिया तो उससे क्या होगा, हमारी जो सोइल है वो एसिडिक या न्यूट्रल से आपकी बेसिसिटी यानी बेसिक उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पीएच का हमें ध्यान रखना, मोटा मोटा मैं बात करूँ हम यहाँ पे सिर्फ पीएच हमें मेंटेन रखनी है जी, जो भी सोइल की पीएच है उसको हमें कंट्रोल में रखना है। तो दोस्तों यही एक रीज़न है कि आपको जो सोइल की पीएच है वो आपको मेंटेन रखनी है और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन से पौधे को, कौन से आपके पौधे एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक सोइल को प्रेफर करते हैं, कौन से आपके एल्कलाइन सोइल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रख के आपको वुड ऐश एज ए फर्टिलाइजर यूज करना है। तो तभी यही रीजन होता है कि आप इसको कम क्वांटिटी में दें, बड़े पौधे को आप कम से कम आप एक चम्मच दीजिए, वो सफिशिएंट है आपका, उससे ज़्यादा मत दीजिए। आप 25 से 30 दिन में एक बार आप इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऊपर से आप इसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमारे प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं, एक एक चम्मच आप डाल दीजिए। ठीक है, और जो छोटे प्लांट हैं यहाँ हम कुछ प्लांट और लेके आए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हम इसमें आप थोड़ा सा दे दीजिए, बस छोटे प्लांट में आप चुटकी भर डाल दीजिए, उतना सफिशिएंट है, थोड़ा थोड़ा बस, ज़्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके डालने के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, ये एज ए फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट मैं आपको एक एक करके सारे शेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पोर्टिलिका लगाया हुआ है तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, सारे प्लांट में यहाँ ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। ये कुछ प्लांट्स हम नर्सरी से लाए हैं तो दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल देते हैं। ये फाइकस की वैरायटी है तो इसमें भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम वुड ऐश का प्लांट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बेनिफिट जो बात करें, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेगा आपके प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दूसरा जो बेनिफिट है, ये एक अच्छा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। जैसे आपके किसी भी प्लांट पे अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर आप सोइल में स्पोज कीजिए, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे हल्का हल्का आप छिड़क दीजिए और मिट्टी को थोड़ा सा डिग कर दीजिए, खुदाई कर दीजिए, तो आपका फंगस का जो इन्फेक्शन है वो आपका चला जाएगा। एज ए फंगिसाइड के अलावा ये आपका इंसेक्टिसाइड का, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। जैसे भी आपके प्लांट हैं उसके पत्तों के ऊपर अगर छेद है, ये पत्ते उसके इंसेक्ट खा रहे हैं या कोई फ्रूटिंग का कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें आप इसको हल्के हल्के ऐसे छिड़क दीजिए। ठीक है, पत्तों के ऊपर ऐसे छिड़क दीजिए, इससे काफ़ी हद तक आपका इंसेक्ट पे कंट्रोल हो जाएगा। और आपको इसको क्या करना है, नेक्स्ट डे इसको आप पानी से वॉश कर दीजिएगा। तो हमें पत्तों के ऊपर परमानेंट इसको राख को रखना नहीं है, नेक्स्ट डे आप 24 घंटे के बाद इसको पानी से वॉश कर दीजिए। इस तरह आपका ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, जो आपका वुड ऐश होता है वो आपकी सोइल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर आपकी सोइल की जो क्वालिटी है वो एसिडिक नेचर की है, ज़्यादा एसिडिक नेचर की है और आपके प्लांट्स उसमें ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सोइल की जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके एल्कलाइन पीएच वाली सोइल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अगर हमारी जो मिट्टी है उसकी, उसका जो पीएच लेवल है वो कम है, सपोज कीजिए 4 है 5 है, तो उसमें हम राख ऐड कर सकते हैं वुड ऐश
ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपकी पीएच को इम्प्रूव करेगा। मींस एसिडिक पीएच से वो आपको बेसिक पीएच की तरफ, एल्कलाइन पीएच की तरफ आपकी मिट्टी की क्वालिटी आपकी इम्प्रूव कर देगा। था जो बेनिफिट है दोस्तों, अगर आपके प्लांट्स में मोसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, मोसिस ज़्यादा ग्रो रहा है, तो आप इसको हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिए। जहाँ जहाँ मोसिस की प्रॉब्लम है तो वो आपकी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई मोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। हल्का सा आप इसको डिग कर दीजिए और मोसिस की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल चली जाएगी। और पांचवा जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें अगर आपकी सोयल की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करना है तो आप उसमें वुड एज आप डाल दीजिए, एक्सपोज कीजिए। आपके पास अगर चिकनी मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप उसमें वुड एज डालिए, तो उससे आपकी जो क्वालिटी है सोयल की वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आपको वुड एज का यूज़ कैसे करना है। इसको आप डायरेक्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर और उसमें हल्का सा पानी दे दीजिए, या दूसरा आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हमारी अलग से वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। तो दोस्तों, इन सब ज़रूरी बातों के बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको कौन से प्लांट्स को वुड एज ए फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है, कौन से प्लांट को यूज़ करना है, कौन से वालों को नहीं करना है। तो दोस्तों, जो पौधे आपके एल्कलाइन पीएच वाली सोयल को प्रेफर करते हैं, उसमें आप बेहिचक आप वुड एज का यूज कीजिए, ठीक है। जैसे कुछ पौधों का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, जैसे आपका प्याज है, लहसुन है, पालक है, बीन्स है, लेवेंडर है, आपका मैंगो है, ये सारे इतने सारे आपके प्लांट्स है, इसमें तो आप बेहिचक आप वुड एज का आप यूज़ करिए, लेकिन क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी। हमें सिर्फ पीएच का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ पीएच का आप ध्यान रखेंगे और इसी हिसाब से आपको इसको एज ए फर्टिलाइज़र आपको यूज करना है। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो प्लांट्स है, जिन प्लांट्स के अंदर आपको वुड एज बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स हैं आपके वो एसिडिक सोयल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर वुड एज हम डाल देंगे तो वो आपका एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसमें आपके पौधे की हो सकता है ग्रोथ रुक जाए या फिर आपकी फ्रूटिंग रुक जाए। तो कुछ पौधे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपका पोटैटो है, पोटैटो का जो प्लांट्स होता है वो आपका एसिडिक सोयल, एसिडिक पीएच वाली सोयल को प्रेफर करता है, तो उसमें आप वुड एज का यूज बिल्कुल ना करें। हिबिकस है, उसमें भी आप वुड एज का यूज ना करें। इसके अलावा आपकी रोज़ की जितनी भी वैरायटी है उसमें भी आप आपको यूज नहीं करना है। कौन है, कौन में भी आप मत डालिए, टमाटो में भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। डालना है तो आपको ध्यान रखना है अपनी मिट्टी है, जो भी आपके सोयल है उसका पीएच लेवल ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर आपसे करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी पौधा आप ग्रो कर रहे हैं तो आप मिट्टी का पीएच लेवल ज़रूर चेक कर लें। उसके लिए आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं या पीएच पेपर, पीएच मीटर आप यूज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लिटमस पेपर आपको 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेपर आपको मिल जाएंगे और बहुत ही ईजी है चेक करना पीएच लेवल। और ऐसे ही आप जो आपका पीएच मीटर है उससे भी आप पीएच सोयल की पीएच आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।